तो जो हमने आपकी टेस्ट सीरीज लगाई थी तो उससे हमारी इतनी प्रैक्टिस बन गई थी कि एग्जाम में हमारा पेपर 15 मिनट्स पहले ही कंप्लीट हो गया था। जब कभी हमको लगता था ऐसा कि हमारा बीएचयू में नहीं हो पाएगा या फिर कोई बात, तो तब आप मोटिवेट भी करते थे तो वो भी बहुत अच्छा लगता था। और उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज था सर लास्ट टाइम का, उससे यहाँ तक कि मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ही उठ करके आ गए थे, बिल्कुल सीधे आ उसी गए टाइप थे। के। हाँ जी सर, तो याद कि आपने कहा था डार्क चॉकलेट लेके जाना, तो वो डार्क चॉकलेट भी हमने खरीद करके लेके गए थे। तो साथियों नमस्कार, आज हमारे बीच है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ईसा सिंह। ईसा सिंह, आपको बीएचयू में एडमिशन लेने पर बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। ईसा, सबसे पहले तो अपने बारे में इंट्रो दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका ग्रेजुएशन कहाँ से है। आफ्टर दैट हम आपकी बीएचयू की जर्नी, जो आपने सीयूईटी पीजी क्रैक करके बीएचयू में एडमिशन लिया है, उसके बारे में जानेंगे। सर माय गुड नेम इज ईशा सिंह एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम नेशनल पीजी कॉलेज इन लखनऊ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड आपका आशीर्वाद टुडे आई एम हियर इन बीएचयू एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। जी ईशा सिंह, बहुत बढ़िया लग रहा है, आप बीएचयू में एडमिशन पा चुके हो और आपका ड्रीम भी था। मेंटर कॉल के दौरान बात जी हुई थी कि बोला बीएचयू मिल जाए, सब मिल जन्नत मिल जाए। बिल्कुल सर, और मतलब पता नहीं था कि ऐसे ट्रू भी हो जाएगा ये ड्रीम और हम भी कभी इंटरव्यू दे पाएंगे आपको, जी तो आप इसके लिए हम बहुत धन्यवाद कहेंगे। शुक्रिया। क्योंकि सर जी लास्ट में बहुत आसान हो गई थी प्रिपरेशन, जब टेस्ट सीरीज मिलने लगा था तो मतलब काफी आसान हो गया था वो प्रिपेयर करना। और मतलब पहले थोड़ा केओटिक चल रही थी पढ़ाई, लेकिन फिर थोड़ा डायरेक्शन मिल गया था तो फिर हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं जी हुआ। ईशा सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना एक सपने सच होने जैसा है। हमारे लिए भी एक सपना सच होने जैसा था बीएचयू, और बीएचयू की बदौलत आज हम हैं यहाँ जहाँ भी हैं। तो ईशा सिंह, जी जी आपकी जो जी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, किस प्रकार से आपने प्रिपरेशन की, उसको एक सिस्टमेटिक वे में बताइए, ताकि जो जूनियर्स है अपने, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी की, वो उसमें अच्छा स्कोर जी करके बीएचयू जैसे ड्रीम कैंपस में अपना एडमिशन पा सकें। सर, हमने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी पहले खुद से, तो मतलब ग्रेजुएशन का ही रिवाइज कर रहे थे, लेकिन फिर मतलब वो मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, थोड़ी स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। जैसे कि जब हम मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो जो आपने वो वाली ट्रिक बताई थी कि ऑप्शन एलिमिनेट करने वाली, तो वो सब बहुत काम आ रहा था वहां पे मेन एग्जाम में। और स्टार्ट और जो हमने टेस्ट सीरीज दी थी, हम ये कहेंगे कि प्रिपरेशन दो मोड में डिवाइडेड है। एक तो आपको मतलब जो है ना रिवीजन अच्छा होना चाहिए पीवाईक्यू का, और दूसरा टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। तो जो हमने आपकी टेस्ट सीरीज लगाई थी तो उससे हमारी इतनी प्रैक्टिस बन गई थी कि एग्जाम में हमारा पेपर 15 मिनट्स पहले ही कंप्लीट हो गया था। तो और ऑप्शन एलिमिनेशन वाला जो टेक्निक है वो बेस्ट रहता है। तो सर क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा इस तरह से सेटअप हुआ था ना कि जिसको ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं आता उसके लिए डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन तो हम लोग को पता था ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला, तो बस ऑप्शन एलिमिनेट करके वो पेपर आसानी से थोड़ा जल्दी में हो गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जितना हम टूल बताए वो आपके डेफिनेटली काम आ गए। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल काम आ गया। यहाँ तक कि अभी हमारे जूनियर्स हैं तो वो हमसे पूछते हैं, मतलब कुछ तो ड्रॉपर्स भी हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स के लिए जाना चाहते हैं बीएचयू, तो एक बार हरिकृष्ण सर को जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। और सर एक हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, हमारे जितने कलीग हैं अभी बीएचयू में, कि आप सर ऐसे ही नेट जेआरएफ के लिए एक और कर दीजिए, तो सब जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत सही रहेगा वो। अभी तो सीयूईटी के लिए देख रहे हैं, नेट का देखा जाएगा क्या कुछ होता है अभी, लेकिन आप जी जी फाइनल में जी हो जाओगे तो हम आपको गाइड जरूर कर देंगे। जी 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 सर, ईशा सिंह, हमारे वीआईपी मेंबर्स रहे हो आप, इसके अलावा अगर कोई आपने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की हो तो। कुछ भी अगर आपको बताएं तो हमने आपकी मतलब वो अल्ट्रा स्पीड रिवीजन वाले वीडियोस देखे थे, और आपने मतलब अपने ऐप में अलग अलग करके रखा हुआ है ना कि पीवाईक्यू एस टेस्ट सीरीज, ये एस टेस्ट सीरीज, तो वो सब लगा डाला था। और यहाँ तक कि अगर हम कहें तो हमने ग्रेजुएशन के भी नोट्स उतना रिवाइज नहीं किए थे, वो जो ऐप था पूरा टाइम उसी पे पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेते थे और वही रिवीजन नोट्स देख लेते थे, तो पता नहीं था कि निकल जाएगा और आसानी से निकल गया, तो उसी से किया था हमने और कुछ नहीं फॉलो किया। जी मतलब आप, ईशा सिंह का कहना है कि वीआईपी मेंबरशिप इज सफिशियंट टू क्रैक सीयूईटी पीजी, एकदम सर, एकदम सफिशिएंट है वो। बशर्ते बंदा उसको ऑनेस्टली एंड डेडिकेटेड हाँ फॉलो करे।
सर हमने तो बहुत मतलब एफर्ट भी नहीं डाला था, बस जो आपका ऐप था ना, तो उसी में मतलब रोज 4 घंटे पढ़ लेते थे, वो भी लास्ट के 1 मंथ अप्रॉक्स। तो उतने में भी अगर डेडिकेटेडली मतलब पढ़ रहे ध्यान से, तो उतने में भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत मतलब कॉम्पैक्ट वे में दिया हुआ है, मतलब इधर उधर का चीज नहीं है ऐप में, तो बस ये चीज था। जी ईशा सिंह, आपको हमारे वीआईपी मेंबर से में कुछ स्पेशल क्या लगा कि आप इतना रिकमेंड कर रहे सर सर सबसे स्पेशल अगर कुछ लगा तो फर्स्ट नंबर पे वही था, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन वाला। और एक बहुत अच्छी जो चीज थी आपकी मेंबरशिप में, वो ये थी कि अगर कभी भी यहाँ तक कि अभी भी हम मास्टर्स कर रहे हैं बीएचयू से, लेकिन कभी भी कोई दिक्कत होती तो आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, तो आप हमेशा मतलब गुरु की तरह हमेशा बताते रहते हैं कि हाँ ये चीज सही है, इसे ऐसे करो। तो वो चीज होना बहुत बड़ी चीज होती है, वरना ज्यादातर जब मेंबरशिप खत्म हो जाती है तो मतलब थोड़ा गैप हो जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो वो चीज अभी तक साथ रहना वो बहुत रिमार्केबल चीज है। और इसके अलावा अल्ट्रा स्पीड रिविजन बहुत अच्छा था, जब कभी हमको लगता था ऐसा कि हमारा बीएचयू में नहीं हो पाएगा या फिर कोई बात, तो तब आप मोटिवेट भी करते थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगता था। और उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज था सर लास्ट टाइम का, उससे यहाँ तक कि मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ही उठ करके आ गए थे, बिल्कुल सीधे आ उसी गए टाइप थे। के। हाँ जी सर, तो वो चीज भी बहुत सही थी, तो उसी ने हम लोग को मतलब तभी हम लोग को ऐसा हुआ था कि थोड़ा टाइम पहले ही पेपर फिनिश हो गया था, तो वो चीज बहुत अच्छी थी। और इसके अलावा जो आपने पीवाईक्यू छोटे वाले मिनी मॉक्स टाइप के रखे हुए हैं, जिसमें मतलब 15-20 क्वेश्चंस वाले भी होते हैं, वो भी बहुत सही रहता है। तो यही सब चीजें थी सर, ऐप के बारे में तो जितना कुछ था सभी अच्छा लगा था हमको, तो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है 360 डिग्री पोस्टमार्टम के बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसे भूल गए हम उसको वो सबसे सही था, वो अल्ट्रा स्पीड से भी ऊपर रखेंगे हम, वो बहुत सही था सर, एकदम पता नहीं कैसे भूल गए, वो बहुत सही था, मतलब जो आप, क्योंकि वो कनेक्ट कर देता था सब कुछ, एक ही क्वेश्चन से हम बहुत कुछ जान जाते थे, तो वो बहुत अच्छा था सर। हम मतलब ये एकदम कहेंगे, मतलब कोई से ये ना समझे कि मतलब हम प्रमोट करें, लेकिन ये हकीकत है कि मतलब अगर किसी को एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन चाहिए, तो मतलब आपका जो कोर्स है वो सफिशियंट रहता है, उससे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो एक डायरेक्शन मिल जाता है ना, तो वो आसान हो जाता है फिर, बस जी यही चीज है सर। ईशा सिंह, नो डाउट आपने वीआईपी मेंबरशिप ली थी और हमारा डोज, जो भी हम बुलडोजर डोज देते थे, टूल्स टेक्निक्स बताते, वो आपने फॉलो किए। जी जी लेकिन जी 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 लेकिन फिर भी एक मन में डर रहता है कि अगर हमारा सिलेक्शन न हुआ तो क्या होगा, तो फियर ऑफ जी फेलियर का सामना करना पड़ा था एग्जाम से जस्ट पहले। जस्ट पहले तो सर आपसे बात हुई थी और आपने कहा था एकदम मस्त जाना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि आपने कहा था डार्क चॉकलेट लेके जाना, तो वो डार्क चॉकलेट भी हमने खरीद करके लेके गए थे, तो कोई ऐसा डर लग नहीं रहा था। और हमारा थोड़ा स्वभाव भी वैसा है कि हम मतलब चिल रहते हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ था। और उसके अलावा जब रिजल्ट आया था, तब जो है ना ये था कि अरे बीएचयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद मेरिट मेरिट निकला है बीएचयू का, तो तब उस वक्त थोड़ा सा डाउट लग रहा था, लेकिन फिर बीएचयू और एसयू दोनों ही मिल गया था, तो ठीक रहा था फिर बाद में। चलिए, जी बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब हम कुछ अगर हमारे एफर्ट लगाते हैं और उसका आउटपुट या बेनिफिट किसी स्टूडेंट को मिलता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मिला था बिल्कुल, यहाँ तक तो कि हमारे कलीग्स भी बोलते हैं कि उनको भी काफी बेनिफिशियल रहा था, हमारे साथ के जो हमारे बैच में हैं, तो काफी लोग जानते हैं आपको, तो सभी कहते हैं कि आप शायद अच्छा। बेस फर्स्ट में हो जहाँ एम टी सर पढ़ाते हैं, यस सर, यस सर, एक दिन क्लास में जिक्र भी यस हुआ सर, था शायद, ऐसा बच्चे बोल रहे थे, क्या कुछ उसी का हाँ, जवाब है? यस सर, एएमटी सर ने एक बार जिक्र किया था सर, तो मतलब ऐसे वो कुछ बोले थे तो सब बच्चे बोलने लगे कि हाँ हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऐसे बच्चे बोलने लगे थे, तो उन्होंने बोला था कि वो परमानेंट लेक्चरार हो गए हैं, तो हम लोग बोले थे कि हाँ हम लोग पढ़े हैं उनसे, तो वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, ग्रुप में एक दिन चर्चा चल रही थी कि एएमटी सर आपको जानते हैं, वो चर्चा कर रहे थे। यस सर बिल्कुल, ईशा सिंह, अपने आपके जो तो बेस्टमेट्स है उसमें मेरे ख्याल से मोर देन 90% तो अपने वीआईपी मेंबर्स होंगे। जी, बिल्कुल सर, मतलब ऐसा हमको जितने हमारे दोस्त हैं तो सभी आपको जानते हैं, उतने में जितने जितने लोगों को हम जानते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, सब जानते हैं आपके बारे में, तो सभी कहते हैं कि हाँ हरी कृष्ण सर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा जी ईशा सिंह, जो भी अभी बंदे तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी पीजी की और बीएचयू जैसे ड्रीम कैंपस पाने की इच्छा है, जिनकी सपना है,
उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे, किस प्रकार से गाइड करोगे कि वो अपनी तैयारी किस प्रकार से करें? सर हम तो बस यही कहेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब BHU मतलब सच में बहुत अच्छा है। हमने बहुत JNU SU सब सुना है, पर यहाँ पे जो सादगी है वो कहीं नहीं है। और हमको IIT भी उतना फैसिनेटिंग नहीं लगता जब हम BHU आ गए। तो आप बस मतलब कोशिश कीजिए थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं प्रिपरेशन के दौरान थोड़ा BHU बनारस के बारे में देखते रहिए, तो वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा। उसके अलावा आपका मेंबरशिप प्लान तो है ही, मतलब वो भी बहुत अफोर्डेबल रुपीज में, कुछ भी ऐसा खास नहीं है उसमें। तो उससे चाहे तो उससे लोग अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और मतलब अल्ट्रा स्पीड देख सकते हैं। तो उससे मतलब ज्यादा समय नहीं लगता, 1 महीने में आपकी प्रिपरेशन एकदम अप टू द मार्क हो जाएगी कि आप मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाए BHU वाले एग्जाम में। उसके अलावा यहाँ पे आ करके एकदम लगता है कि हाँ सच में अच्छी जगह आए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे कैंपस में। तो बिल्कुल सर थैंक यू बोलेंगे आपको। जी, तो जो भी जूनियर तैयारी कर रहे हैं, ईशा सिंह का कहना है, देखो कैंपस के बारे में सोचोगे, सबकॉन्शियस माइंड में सोचोगे, तो उससे क्या अंदर से मोटिवेशन मिलता रहता है कि भाई हमको वहां जाना है। वो अपने को ऑटोमेटिक इंस्पायर करता है। और देखो प्रिपरेशन का रिगार्डिंग तो ये है कि हमारी मेंबरशिप है एकदम अफोर्डेबल प्राइस में है, क्योंकि हम जिस वजह से आज यहाँ है एकदम खुश खुश मिजाज, या बोलते हैं ना हंसती खेलती खेलती लाइफ जी रहे हैं, उसका एक कारण है BHU। अगर हम BHU न गए होते तो हमारा यहाँ कुछ नहीं होता। तो दैट्स वाई हम भी ये जी ट्राई करते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो अफोर्डेबल फीस में जो तैयारी करके वहाँ BHU जैसे कैंपस में पहुंचे। जी जी बिल्कुल सर, हाँ, चलिए ईशा सिंह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। महादेव से गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बुलंदियों को छुओ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।